नाइट प्रेमा जी। गुड नाइट डेविड जी। प्रेमा जी आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या? आप किसी से मत कहिएगा कि मैं आपकी शूटिंग देखने के लिए आया था। नो प्रॉब्लम, सिर्फ कोकी जी को कहूंगी। ओके? नहीं नहीं, उसे तो हरगिज मत कहिएगा। क्यों? अरे मैंने उसे फोन करके बताया था कि मेरे एक दोस्त की माँ गुजर गई तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। केशव जी, मेरी छोटी सी शूटिंग देखने के लिए आपने इतना बड़ा बहाना बनाया। क्या करे प्रेमा जी, बड़ा हंगामा टालने के लिए समझदार पति को हमेशा बड़ा बहाना ढूंढना पड़ता है। Oh, you're so clever. लेकिन केशव जी, अब जल्दी आप घर चले जाइए, वरना कोकी तो कोकी पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि आप मेरी शूटिंग देखने आए थे। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट केशव। बाय। सी यू। बाय। ओह नो, लाइट जल रही है, इसका मतलब कोकी जाग रही है। कोई बात नहीं केशव, अरे तुम्हारा तो दोस्त मर गया है। नहीं नहीं, दोस्त की माँ मर गई है। इसीलिए चिंटू, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। और डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? डैडी उनके किसी दोस्त के पास गए हैं। मम्मी, डैडी के दोस्त की मम्मी भगवान के पास गई है ना? तुम्हें कैसे पता? जब आप गंगा मौसी को बता रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था। हाँ चिंटू, उनके किसी दोस्त की मम्मी भगवान को प्यारी हो गई है। मम्मी, एक बात बताओ, क्या आप भगवान को प्यारी नहीं हो? केशव, केशव आ गए शमशान से? आओगे ना? क्या हो गया तुम्हारी दोस्त की मम्मी को? बस एकदम अचानक बोलते बोलते बेचारी लुढ़क गई। क्या उम्र थी उनकी? बस यू समझो तुम्हारी उम्र की थी। मेरी उम्र की? हाँ। तुम्हारा दोस्त इतना छोटा था? हाँ, ना मतलब मेरी उम्र का था। तुम्हारी उम्र का था? हाँ। और उसकी मम्मी मेरी उम्र की थी? हाँ। केशव, लगता है दोस्त के मम्मी के गुजर जाने से तुम पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसे आवाज मत निकालो, जाओ जाकर नहा लो, जाओ। अच्छा अच्छा, केशव दोस्त का नाम क्या था? नाम मत, गोखले। गोखले की मम्मी गुजर गई? अरे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ना लेता हूँ। हाँ, पानी है अंदर। बेचारा गोखले एक महीने तक बाहर नहीं निकलने वाला है। जाओ जाओ। पानी आता है? हाँ आता है। जाओ जाओ। ये बहुत बुरा हुआ, आजकल किसी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। भाभी जी, मैं यहाँ हूँ। भाभी जी, कैसी हैं आप? गोखले, आप? अभी मैंने खबर सुन ली। ओहो, तो खबर यहाँ तक पहुँच भी गई। हाँ, लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? अचानक क्या भाभी, पूरे 9 महीने तकलीफ उठाई उसने। आखिरी वक्त उन्हें कोई तकलीफ हुई? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टाके लगे। उनको ऑपरेशन हुआ था? हाँ, वो जल्दी से छुटकारा नहीं हो रहा था ना, इसलिए। आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? अरे नहीं भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टेंशन दूर हो गई। लो भाभी, मिठाई खा लो। गोखले, आपको शोभा नहीं देता, ऐसे वक्त पर कोई मिठाई बांटता है? अरे ऐसे वक्त पर तो मिठाई ही बांटते हैं। लानत है आप पर, माँ के गुजर जाने पर आप खुश होकर मिठाई बांट रहे। माँ के गुजर जाने पर? किसकी माँ गुजर गई? आपकी और किसकी? मेरी माँ। मेरी माँ तो अस्पताल में मेरी बीवी के पास बैठी है। क्यों, बीवी को क्या हुआ? पूरे 7 पाउंड का लड़का हुआ है। लड़का? केशव! केशव आजकल मुझसे बहुत झूठ बोलने लगा है, पानी सर से ऊपर चढ़ने लगा है। गंगा मौसी, देखो ना केशव कितना झूठ बोलता है मुझसे। कर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? खा। देखो, केशव की बीमारी का मेरे पास अक्सर इलाज है। ये क्या है? ये एक पुराना सिक्का है। हाँ? ये अपने पास रखने से आदमी सच बोलने लगता है। सच? हाँ, देखो ना, उसके ऊपर राजा हरिश्चंद्र की तस्वीर भी लगी हुई है। गंगा मौसी। हाँ, मैंने ये सिक्का मेरे पति की जेब में रख दिया था। तो क्या हुआ? अरे बात बात में इतना सच बोलने लगे, इतना सच बोलने लगे कि निकाल लेना पड़ा। केशव जी, आप कब आए? अरे मुझे आकर तो 35 साल हो गए। गंगा मौसी, ये तो घर में ही थे। तो
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसमें क्या हुआ? केशु देखो ना, गंगा मौसी ने मुझे एक सिक्का दिया है। अच्छा हाँ? दिखाओ। हाँ? अरे ये तो खोटा है गंगा मौसी की तरह। असर होने लगा है। असर होने लगा है? क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं केशु, ये सिक्का हमेशा अपने पास रखने से ना आदमी सच सच मुच खूबसूरत लगने लगता है। खूबसूरत लगने लगता है। फिर तो इस सिक्के की सबसे ज्यादा जरूरत गंगा मौसी को है। केशु ये ना तुम हमेशा अपनी जेब में रखो। अच्छा? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि इस सिक्के का तुम पर क्या असर होता है। अच्छा अच्छा। सिक्का मेरी जेब में आने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्या? कि मुझे सच बोलना चाहिए? देखो कोके, तुम इस गंगा मौसी से दोस्ती मत करना। क्यों? अरे ये एक नंबर की आवारा औरत है, बदमाश औरत है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती रहती है और पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाती रहती है। केशव कोके मैं चलती हूँ। क्यों? मैंने कोई झूठ कहा? और ये औरत, मैं तुमको ये औरत बताऊ? मैं चलती हूँ। कितनी दुख की बात है ना, शर्मा साहब आज जा रहे हैं। एक नंबर के खड़ूस है वो। खड़ूस क्यों? चलो 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 भैया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मिसेस लक्ष्मी रिफ्रेशमेंट तैयार, अभी थोड़ा देर में आ जाएगा। क्या क्या मंगवाया है? समोसा, वेफर और बर्फी, बाद में सबके लिए कॉफी। सबके लिए ऑर्डर दिया है ना? यस। पिछले सेंड ऑफ जैसा मत करना। अयो क्या हुआ था पिछले सेंड ऑफ पे? अरे जिनका सेंड ऑफ था वो बेचारे बैनर्जी साहब तो भूखे ही रह गए। लेकिन भूखले सेंड ऑफ का भाषण कौन देगा? क्यों, केशव कुलकर्णी नहीं है? कुलकर्णी भाषण दे सकते हैं क्या? प्रॉब्लम है तो अपन देगा क्या? अरे नहीं यार, आप लोगों को पता नहीं केशव कुलकर्णी क्या चीज है। नहीं गोखले नहीं, शर्मा साहब की सेंड ऑफ पार्टी में मैं भाषण नहीं देने वाला। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने सच बोलने की कसम खा ली है। हाँ, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी था, वरना न जाने तुम किस किस की माँ को ऊपर भिजवा दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाषण देने के लिए फोर्स मत कर। अरे क्यों भाव खा रहा है यार? अरे शर्मा साहब के पार्टी में तू नहीं भाषण देगा तो और कौन देगा? क्यों, और कोई नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, सब लोग आपस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्टेज पे बोलने को कहो तो सबके पसीने छूटते हैं। तो फिर तू भाषण दे देना। नहीं। क्यों? मैं तो वेलकम स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन बाद में बोलने वाला भी कोई चाहिए ना। अच्छा गोखले, तू अगर इंसिस्ट करता है तो मैं भाषण दूंगा, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तेरी रहेगी। ओके यार, ओके। चेयरमैन साहब, शर्मा साहब, भाई और बहनों, आज से हमारे प्यारे शर्मा साहब का ट्रांसफर अपने बेंगलोर ऑफिस में हो रहा है। उनको प्यार से विदा करने के लिए इस सेंड ऑफ पार्टी का आयोजन किया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अब मिसेस लक्ष्मी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फूलों का गुलदस्ता देकर चेयरमैन साहब का स्वागत करें। मिसेस लक्ष्मी। अब मिस जोशी शर्मा साहब का स्वागत करेगी। मिस जोशी आइए। थैंक यू, थैंक यू। और अब मैं केशव कुलकर्णी जी को, जो कि शर्मा साहब को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, 4-4.5 शब्द बोलने की विनंती करता हूँ। केशव कुलकर्णी, तालियां। थैंक यू केशव, माय बॉय, माय बॉय। चेयरमैन साहब, शर्मा साहब, भाइयों और भाइयों की बहनों, आज हमारे शर्मा साहब यहां से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं। यह बात हम सबके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। अरे इनकी ट्रांसफर से तो यूं समझो हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों की जानी छुट गई। भाइयों और बहनों, ये शर्मा साहब पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं, लेकिन लग ऐसे रहा था कि वो पिछले 20 साल से हमारे साथ थे। अपने बच्चा है सर। क्योंकि इन 2 सालों में इन्होंने हमें डांटने या फटकारने के अलावा और कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। शायद आप एक बात नहीं जानते कि ये शर्मा साहब बड़े ही रंगीले रतन हैं। प्रेमा शालिनी नाम की एक मशहूर अभिनेत्री के साथ इनका टांका भिड़ा हुआ है, उनके पीछे वो दीवाने हैं। खैर ये बात और है कि प्रेमा शालिनी इनको घास नहीं डालती। फिर भी भाइयों और बहनों,
इन्होंने प्रेमा शालिनी के लिए एक एड फिल्म बनाकर हमारी कंपनी के 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। 5 लाख रुपए। बैठ जाओ केशव, बैठ जाओ। और अशीष शर्मा साहब आज ट्रांसफर होकर बैंगलोर के लिए जा रहे हैं। अरे मुझे तो तरस आता है उस बैंगलोर के डिपार्टमेंट के भाई और बहनों पर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ऐसे शर्मा साहब को यहाँ वापस मत भेजना, और हो सके तो बैंगलोर से भी इनकी ट्रांसफर अंदामान निकोबार या कश्मीर को करवा देना, क्योंकि ये शर्मा साहब बड़े ही तुच्छे लफंगे और एक नंबर के चालू आदमी है। और ऐसे शर्मा साहब को यहाँ से काम करने का कोई अधिकार नहीं। एक नंबर के साहब। क्या हुआ सर, क्या हुआ? जानता हूँ आपसे मजाक कर रहा था। राइट यू सर, थैंक यू। अरे क्या कर रहा है कोखले भाई, ये क्या बक दिया तूने, और वो अभी चेयरमैन के सामने। मैंने कोई झूठ बोला क्या? अरे लेकिन इतना सच बोलने की भी क्या जरूरत थी? मरने वाला है तू, मरने वाला है। देख शर्मा साहब तुझे डिसमिस कर देंगे। नहीं कोखले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब इस सिक्के की वजह से हुआ। सिक्के की वजह से? कैसा सिक्का? अरे कोकी को ये सिक्का गंगा मौसी ने दिया था मेरी जेब में रखने के लिए। इस सिक्के से आदमी सच बोलने लगता है। ये ले, तू भी ट्राई कर ले। नहीं मुझे कोई सच वच नहीं बोलना है, तू एक काम कर, ये सिक्का कोकी भाभी को वापस लौटा दे। हाँ ये भी आइडिया ठीक रहेगा। अरे केशव अच्छा हुआ तुम आ गए। इसमें अच्छा क्या हुआ, रोज तो आता हूँ। सुनो ना, क्या है? हमें गंगा मौसी के यहाँ जाना है। क्यों? उनका बेटा राजू बीमार है। कोकी बीमार आदमी को नहीं देखते, दुनिया में इतने सेहतमंद लोग हैं, उनको देखो। लेकिन गंगा मौसी को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम देखने जाएंगे तो। मैं नहीं आता, मैं उस आवारा लड़के से मिलना नहीं चाहता। देखो वो जैसा भी है इस वक्त बीमार है। तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, दिन भर सिगरेट पीता रहता है। ये सब बातें करना अभी जरूरी है? तुम चलो मेरे साथ, बाद में शॉपिंग के लिए भी जाना है। अरे पहले ये सब अंदर रखो, अंदर रखो इसे। चलें कोकी? हाँ चल, चलो। हाँ हाँ चलो। अरे ये पर्स तो लो। अरे हाँ मैं भूल गई, चलें। हाँ अब चल। मैंने दे दिया है, जब तक पसीना नहीं आता तब तक बुखार नहीं उतरेगा। नहीं डॉक्टर साहब, पसीना आते ही बुखार उतर जाएगा ना। पता नहीं, मैंने तो पहली बार इंजेक्शन लगाया। बोला चुपचाप सोते मौसी। कोकी देखो ना, राजू का बुखार उतर ही नहीं रहा है। राजू बेटा आंखें खोलो। केशव भैया, मेरे लिए कोई अच्छी सी नॉवेल भिजवा देना पढ़ने के लिए। नॉवेल? हाँ। नहीं राजू, अब तो तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मनुष्य का शरीर एक जीर्ण वस्त्र की भांति होता है। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह मनुष्य की आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करना चाहती है। ये तुम क्या बोल रही हो कोकी? तुम फिक्र मत करो गंगा मौसी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? इसको मिलाकर 5। तो क्या प्रॉब्लम है? केशव जा, जरा अपने राजू के लिए सिगरेट लेकर आ। अच्छा कौन सा ब्रांड लेकर आऊं, काला हाथी? चुप। केशव जी कोकी को यहाँ से ले जाइए। गंगा मौसी मैंने क्या गलत कहा, बेचारे की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होने दो। माँ 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 मुझे नैपकिन दो, माँ नैपकिन दो। क्यों बेटा? माँ कोकी दीदी की बातें सुनकर कितना पसीना छूट रहा है, देखो माँ। उसका मतलब बुखार उतर गया? यानी कि तुम इसलिए ये सब बोल रही थी? ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सच कह रही थी। हेलो। हेलो सुनो देव। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आज शाम को एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मुझे साइन करने आ रहा है। फाइन? फाइन नहीं देव, साइन, साइन। अरे वही तो कह रहा हूँ भाई, फाइन, फाइन बोले तो अच्छी बात है। देव तुम मुझे इंग्लिश मत सिखाओ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्या बात है। जमादारनी बाथरूम धोने आई है, उसके लिए कुछ अच्छा नाश्ता वाश्ता बना के रखना। ओके जमादारनी के लिए नाश्ता बनाऊं मैं? देव प्रोड्यूसर के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी? कितने लोग आ रहे हैं? देव पार्टी मतलब बहुत बड़ी आसामी है वो। आसामी है? आसाम का रहने वाला है, आसामी लैंग्वेज में हिंदी फिल्म बनाएगा, सो इंटरेस्टिंग। देव ठीक है समझ गया, चिल्ला क्यों रही हो? अरे बाप रे, जे मैं एक ढेला नहीं तो नाश्ता कैसे बनाऊंगा? कोकी जी से मांगता हूँ, इसी भार में मुलाकात भी हो जाएगी। कोकी जी, कोकी जी क्या है? नमस्ते। नमस्ते। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? ये कुछ 50-60 रुपए। किस लिए?
वो दरअसल शाम को एक डॉल की आसामी पार्टी आ रही है और मुझ मुए के पास एक छोटा सा कुर नहीं है। देखिए पर्स वहाँ पड़ी है, जितने चाहे ले लीजिए। मैं ले लूँ तो क्या हुआ? देखिए ना मेरे हाथ आटे से भरे, आपके हाथ कितने प्यारे हैं। देखिए भाई आपको पैसे चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो पैसे ही लेने आया था। ये हो गए 50, चिल्लड़ भी तो ले लूँ सारी। हाँ चिल्लड़ भी ले लेता हूँ। अच्छा कोके जी बाय बाय। हाथ अरे ये कोकी जी की चिल्लर भी कितनी भारी है, ये कौन सा सिक्का है? सो इंटरेस्टिंग, चलो बाद में लौटा दूंगा। हाय दीदी, कैसे हो? ठीक तू? मम्मी देखो रश्मि दीदी आई है। अरे रश्मि तुम कैसी हैं दीदी? जीजा जी आप? दरअसल बात है कुकी, लड़का ढूंढा है, वो इसे देखने आने वाला है। यहाँ दीदी आपके पड़ोस में प्रेमा शालिनी रहती है ना, मैं जरा उसे मिलकर आती हूँ। चलो चलो चलो, कहीं नहीं जाने का तुझे, चुपचाप यहाँ बैठ जा, तेरी इन्हीं हरकतों से तो लड़के भाग जाते हैं, चल बैठ जा। क्या बताऊं कुकी, हमारे घर में इसे 3 लड़कों ने 3 बार नापसंद किया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इसे दिखाने का प्रोग्राम और कहीं रख लूं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। देखो कोकी, अभी वो लड़के वाले के सामने है ना, तुम इसकी तारीफ बारीफ करना, वो क्या है मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस समझ लीजिए आपकी बार इसकी मंगनी पक्की हो गई। डैडी अगर इस बार में मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं उसे भी भगा दूंगी। तुम्हारी मद्रास की पार्टी आई है। कौन? आओ कुट्टी जी। वनक्कम। हेलो, एक घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ कुट्टी जी। डाल क्यों झूठ बोल रही हो, तुम तो अभी खुद 5 मिनट पहले आई हो। आइए बैठे ना। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, बैठता है। प्रेमा हम प्रेमा हम ये तुम्हारा बॉय है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। देव खाली खाली नाम के लिए पति हूँ, काम सारे बॉय वाले करता हूँ। मजाक करने की आदत है। प्रेमा अम्मा, तुमने हमारे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा? कुट जी मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं मिला, लेकिन पढ़ लूंगी। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? कुछ जी मैं आपसे सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख? और कुछ जी, कुछ जी मैं तो आपसे 5 लाख कम ले रही हूँ, पिछली फिल्म के लिए तो मैंने 15 लाख लिए थे। डॉल क्यों झूठ बोल रही हो, तुमने पिछली फिल्म तो सिर्फ 2 लाख रुपए में की थी। खाली 2 लाख? नहीं 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 नहीं, एड फिल्म की बात कर रहे हैं। नहीं 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 डॉल, मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जो पिछले हफ्ते लगी और इस हफ्ते पिट गई। जो लगता है हम भी अब पिट जाएगा, हमें यहाँ से निकल जाना ही मांगता है। प्रेमा अम्मा, हम तुमको जरा सोच के बोलेगा लेने का है कि नहीं बोले क्या, हम बाद में आएगा। मिस्टर बॉय जी, जी माधुरी दीक्षित का एड्रेस क्या है जी? हाँ मालूम है, यहाँ से बाहर जाके लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर थोड़ा चलना पड़ेगा ना, राइट लेफ्ट राइट। नहीं 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 नहीं, हम खुद ढूंढ के निकालेगा, राइट लेफ्ट राइट में गर्दन टूट जाएगा, हम जाके ढूंढ के निकालेगा। माधुरी दीक्षित अच्छा कॉपरेट भी करेगी आपके साथ। अच्छा हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। इडियट, तुमने मेरे सारे प्रपोजल का सत्यानाश कर दिया। देव आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। कोकी जी का कॉइन पड़ा है मेरे पास, वापस करके आता हूँ। अरे चिंटू बॉल से खेल रहे हो, दिखता नहीं है क्या? दिखता है दिखता है, खेलो खेलो खेलो। मम्मी है? हाँ है। वेरी गुड, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन मेहमान? रश्मि दीदी को देखने। तो मम्मी ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अच्छा अब हम किसी हो गए बेटे। एक काम करो, ये चॉकलेट लो और मुझे जाने दो। अबे ओए, मैं तो आज अपने डैडी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। पर ठीक है यार, मत जाने दे, ये कॉइन रख और अपनी मम्मी को दे देना, मेरी चॉकलेट वापिस कर। बड़ा आया कंजूस कहीं के। आप लड़की से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए जी। एक मिनट तो जब रहे लड़की,
तेरा नाम क्या है? रश्मि। रश्मि, तुझे खाना बनाने आता है? हाँ आता है। हमारी रश्मि तो साक्षात अन्नपूर्णा है। पता है पिछली गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आई थी ना, तब 10 लोगों का खाना इसने अकेली ने बनाया था। अच्छा। अरे मम्मी, उस वक्त तो हम लोगों ने होटल से खाना मंगवाया था। क्या, होटल से मंगवाया था? हाँ, हमारी रश्मि दीदी को दाल चावल भी नहीं बनाने आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बावर्ची है खाना बनाने के लिए। क्यों मम्मी? तू चुप कर। ए लड़की, तेरा चाल चलन कैसा है? हाँ, रश्मि जैसी लड़की तो ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी आपको। किसी से प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ने? नहीं नहीं, हमारी रश्मि तो लड़कों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। क्या मम्मी, हमारे एरिया में दीदी के कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं? नाम बताऊं? रोहन, मोहन, शिंगरू, मंगरू। बस 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 बस, बहन जी एक देखने दिखाने का नाटक खत्म हुआ, चलो चंद्रो। लेकिन मम्मी मेरी बात। अबे तू चुप रे। अरे सुनिए तो बहन जी। क्या सुनना है तुम्हें? जो कुछ भी सुनना है वो मंगरू सिंगरू को सुना था। नमस्ते केवल राम जी। अरे लेकिन बात। अरे लेकिन लेकिन क्या, हम लोग जाते हैं। ले जा रहा हूं मम्मी, मेरी बात सुनो। जीजा जी मरवा दिया ना कोकी। लेकिन अब इस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगा। अरे जीजा जी ऐसा मत कहिए। अच्छा हुआ ना ये लड़का चला गया, मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं था। थैंक यू चिंटू। यू आर मोस्ट वेलकम। क्यों बे चिंटू, तू क्यों बीच बीच में बोल रहा था? लेकिन मैं सच बोल रहा था ना। तुम मगर अंदर क्यों आए? मैंने मना किया था ना। मुझे दिलबुरा अंकल ने जबरदस्ती भेजा। क्यों? ये कॉइन लौटाने के लिए। ये सिक्का केशो, वही रुको। क्यों, कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे भाई ऑफिस से आ रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि मैं झूठ कैसे बोलूं? ये देखो